किसी मुल्क में एक बहादुर शहजादा रहता था। उसे शिकार का इतना शौक था कि वो अपने मुल्क में ही नहीं दूसरे मुल्कों में जाकर भी शिकार खेला करता था। शिकार खेलने के लिए वो हमेशा अकेला ही जाता था। एक दिन का जिक्र है, शहजादा एक हरन का पीछा करता हुआ अपने पड़ोसी राजा के मुल्क में बहुत दूर तक निकल गया। उसे ये भी पता ना चला कि वो सुबह से भूखा प्यासा है। जब शाम हुई और अंधेरा छाने लगा तो हरन में जंगल में अचानक कहीं गायब हो गया। शहजादा जंगल में तना रह गया। उसने चारों तरफ देखा लेकिन कहीं भी उसे हरन नजर नहीं आया। भूखा प्यासा तो था, इसने सोचा कि वो आज की रात किसी के घर में गुजार देगा और दूसरे दिन सुबह सवेरे वो अपने घर चला जाएगा। ये सोचकर शहजादा एक तरफ को चल दिया। दूर उसे कुछ रोशनी सी नजर आई। उसे यकीन था कि वहाँ ज़रूर कोई गांव या कस्बा होगा। शहजादा अभी थोड़ी दूर ही गया था कि उसे रास्ते में एक गीदड़ बैठा हुआ दिखाई दिया। पहले तो शहजादा उसके जाने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन जब वो रास्ते से नहीं हटा तो शहजादे ने गुस्से से कहा, ऐ गीदड़, तुम मेरे रास्ते से हटते क्यों नहीं? मुझे सामने वाले गांव में अभी पहुंचना है। गीदड़ ने बैठे ही बैठे एक बार शहजादे की तरफ देखा और फिर मुंह फेर कर लेट गया। अब तो शहजादे के गुस्से की इंतहा न रही। वो गीदड़ की नाफरमानी बर्दाश्त ना कर सका। उसने एक बार फिर चीख कर कहा, तुम हटते हो या मैं तुम्हारे ऊपर अपना घोड़ा दौड़ा दूं? उसने तुम्हारे ऊपर एक भी पांव रखा तो तुम्हारा सुरमा बन जाएगा, समझे? इस बार गीदड़ ने फिर शहजादे की तरफ नहायत बेपरवाही से देखा और कहा, मैं इस रास्ते पर पिछले 5 साल से बैठा चला आ रहा हूँ, तुम मुझे यहाँ से हटाने वाले कौन होते हो? अगर तुम्हें सामने वाले गांव में जाना है तो किसी दूसरे रास्ते से चले जाओ, मैं अपनी जगह से नहीं हटूंगा। शहजादे ने बिगड़ कर कहा, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। तुम गीदड़ होकर मेरे सामने जबान चलाते हो। मैंने बड़े बड़े शेर, चीते और हाथियों को पल भर में मौत के घाट उतार दिया। तुम तो मेरे सामने एक मच्छर के बराबर हो। शहजादे की इस बात का भी गीदड़ पर कोई असर नहीं हुआ। उसने हंस कर कहा, शहजादा बड़ा बोल ना बोल, कभी कभी छोटे लोग भी बड़े लोगों से ज्यादा ताकतवर साबित होते हैं। शहजादे की कुव्वत बर्दाश्त अब खत्म होती जा रही थी। उसने कहा, मैं गीदड़ पर हाथ उठाना अपनी तोहीन समझता हूँ, इसलिए आज तो मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन अगर कल मेरे वापसी के वक्त भी तुमने इस किस्म की बदतमीजी का मुजाहरा किया तो मैं तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा। गीदड़ ने हंस कर कहा, कल की बात कौन जानता है, हो सकता है कि कल तुम्हें मेरे सामने आकर खुद झुकना पड़े, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शहजादे ने कहा और दूसरे रास्ते से गांव की तरफ चला गया। गीदड़ ने इस जगह पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर ली और सो गए। शहजादा जब गांव में पहुंचा तो काफ़ी रात हो चुकी थी। वो चलते चलते एक किसान की झोंपड़ी के पास पहुंचा। पास ही किसान का हरा भरा खेत लहलहा रहा था। शहजादे ने घोड़े से उतरकर घोड़े को चरने के लिए खेत में छोड़ दिया और खुद झोंपड़ी के सामने जाकर किसान का दरवाजा खटखटाया। किसान ने बाहर निकल कर पूछा, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? शहजादे ने जवाब दिया, मैं एक मुसाफिर हूँ, रास्ता भूल कर इधर आ निकला हूँ। अगर आप रात भर के लिए मुझे ठहरने की जगह दे दें तो मैं आपका बड़ा ममनून होऊंगा। शहजादे ने कहा, अपने घोड़े के मुतल्लिक कुछ भी नहीं बताया। किसान बहुत रहम दिल और मेहमान नवाज था। वो शहजादे को बड़े आराम से अपने झोंपड़ी में ले गया और बड़ी शफकत से उसे खाना खिलाया। खाने के बाद उसने शहजादे के लिए आरामदेह बिस्तर बिछाया।
शहजादा थका मांदा तो था ही, उसे नरम बिस्तर पर लेटा और सो गया। दूसरे दिन अल सुबह जब किसान अपने खेतों में गया तो वहां घोड़े को चरता देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसने वहां बहुत से लोगों को जमा कर लिया और तालियां बजा बजा कर कहने लगा, मेरे खेत में घोड़ा पैदा हो गया, देखो कितना तंदुरुस्त और तवना है। गांव के सभी लोगों ने उसकी तरफ हैरत से देखा और उसकी बात पर यकीन कर लिया। वहां जितने भी लोग थे सब घोड़े की तारीफें करने लगे। शोर सुनकर शहजादे की आंख खुल गई और दौड़कर खेत में पहुंचा और ये सुनकर कि खेत ने एक घोड़े को जन्म दिया है वो हैरान रह गया। उसने लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो घोड़ा उसकी मलकियत है, खेत में भला कैसा घोड़ा पैदा हो सकता है, लेकिन गांव के लोगों ने शहजादे की एक ना सुनी। वहां तो सभी लोग यही लाप रहे थे कि देखिए खेत ने कैसे तंदुरुस्त और घोड़े को जन्म दिया है। जब किसी तरह भी मामला हल ना हुआ तो शहजादे और किसान दोनों ने इस मुल्क के राजे के दरबार में जाकर फरियाद की। राजा ने मामले की छानबीन के लिए एक दिन मुकर्रर कर दिया। तहकीकात शुरू हुई। किसान ने अपने बहुत से गवाह पेश किए जो कहते थे खेत ने एक ही घोड़े को जन्म दिया है। उनका कहना था कि जब खेत दरख्तों को पैदा कर सकता है तो वो घोड़े भी पैदा कर सकता है। राजा इसके दरबारियों ने बड़े गौर से किसान के गवाहों के बयान सुने और उसके बाद शहजादे से गवाह पेश करने के लिए कहा। बेचारा शहजादा गवाह कहाँ से लाता। उसने कहा, मैं तो एक मुसाफिर हूँ, रात को यहाँ आया था और तब भी मैंने अपने घोड़ा खेत में चरने के लिए छोड़ दिया था। गांव के सब लोग सो रहे थे, किसी ने मुझे घोड़े के साथ नहीं देखा, मैं किसी को अपना गवाह बना कर पेश करूँ। राजा ने कहा, तुम सबूत पेश करने में नाकाम रहे, इससे साफ जाहिर होता है कि ये घोड़ा तुम्हारा नहीं है और किसान के खेत में ही पैदा हुआ है, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि तुम घोड़े पर बैठ कर आओ और तुम्हें कोई भी ना देखे। शहजादे की कुछ भी समझ में ना आया। उसने कहा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यह घोड़ा मेरा ही है। जब मैं इस पर बैठकर गांव की तरफ आ रहा था तो एक गीदड़ ने मुझे देखा था, अगर आप उसे यहाँ बुलाने का बंदोबस्त कर दें तो वो मेरी गवाही दे सकता है। राजा ने जवाब दिया, जंगल के जानवरों को दरबार में बुलाना हमारा काम नहीं है और फिर हम ये भी नहीं जानते कि वो गीदड़ कौन सा है। अगर तुम खुद जाकर उसे यहाँ ले आओ तो हम उसकी गवाही कबूल कर लेंगे। शहजादे ने दो दिन की मोहलत मांगी और गीदड़ की तलाश में चल दिया। चलते चलते उसी मकाम पर पहुंचा जहां उस गीदड़ मिला था, लेकिन इस वक्त वो वहां मौजूद नहीं था। शहजादे को याद आया कि गीदड़ पिछले 5 बरसों से यहाँ रह रहा है, इसलिए वो कभी ना कभी ज़रूर आएगा। वहीं पर बैठकर गीदड़ का इंतज़ार करने लगा। शाम होते ही गीदड़ वहां आया। उसने शहजादे को परेशान देखकर पूछा, क्या बात है शहजादे, आज तुम कुछ परेशान नजर आते हो। शहजादे ने कहा, गीदड़ भाई, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। इस रोज़ जो कुछ मैंने तुमसे कहा था उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उम्मीद है कि तुम मेरी इस बात से नाराज़ नहीं होगे और मुझे माफ़ कर दोगे। आज मैं बड़ी मुसीबत में हूँ और तुम्हारी मदद चाहता हूँ। इसके बाद शहजादे ने उसे सारा वाक़या सुनाया और गीदड़ से गवाही देने के लिए कहा। गीदड़ ने कहा, मैं जानता था कि तुम यहाँ ज़रूर आओगे, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम खुद ही ठीक रास्ते पर आ गए हो। अब तुम समझ गए होगे कि कभी कभी छोटे लोग भी बड़े ताकतवर साबित होते हैं। कभी अपने से छोटे को हकीर और कमतर नहीं समझना चाहिए। मैं तुम्हारी गवाही ज़रूर दूंगा, लेकिन आज मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। तुम जाओ, कल सवेरे मैं खुद दरबार में जा पहुँच जाऊँगा। दूसरे दिन गीदड़ ने अपने सारे बदन पर बहुत सा रेत मला और हामता हुआ दरबार में जा पहुँचा। उसने दरबार में पहुँचते ही कहा,
हजूर मैं देर से आने के लिए माफ़ी का तलबकार हूँ। मैं ठीक वक्त पर दरबार में पहुंचना चाहता था, लेकिन क्या करूं, चंद ऐसे ज़रूरी काम सर पर आ पड़े कि इन्हें छोड़कर मैं आ ही नहीं सका। राजा ने कहा, ज़रा हम भी तो सुने वो ज़रूरी काम क्या थे। गीदड़ ने कहा, आज सुबह मेरा एक दोस्त हाथी चने के दरख्त पर चढ़ गया। वो दरख्त पर चढ़ तो गया, लेकिन उसे उतरना नहीं आता था। वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगा। उसका शोर सुनकर मैं वहाँ पहुँचा बड़ी मुश्किल से। उसे अपने कान पर बिठा कर दरख्त से नीचे उतारा। उस काम से फारग ही हुआ था कि मैंने देखा कि समंदर में आग लग गई और मछलियाँ परेशान होकर आसमान की तरफ परवाज कर रही है। इनकी तकलीफ मुझसे देखी ना गई। मैं अब तक आग बुझाने में ही मसरूफ रहा, इसलिए मुझे जाने में देर हो गई। राजा और तमाम दरबारी गीदड़ की बातें सुनकर हंस पड़े। राजा बोला, तुम्हारा दिमाग ख़राब है या तो तुम पागल हो। हमने आज तक किसी हाथी को चने के दरख्त पर चढ़ते नहीं सुना और ना कभी समंदर में आग लगने की और मछलियों को हवा में उड़ते देखा है। तुम झूठ बोलते हो, गीदर ने बड़ी मासूमियत से कहा। हजूर, खेत में घोड़ा पैदा हो सकता है तो हाथी चने के दरख्त पर नहीं चढ़ सकता, और क्या समंदर में आग नहीं लग सकती। ये बात सुनकर राजा और उसके दरबारी बहुत शर्मिंदा हुए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और इन्होंने शहजादे को उसका घोड़ा लौटा दिया। और जब उसे पता चला कि ये हमसाए मुल्क का शहजादा है, तो राजा ने अपनी इकलौती बेटी की शादी भी उसके साथ कर दी। शहजादा अपनी दुल्हन के साथ बहुत सा चीज लेकर घर की तरफ चला। आगे आगे गीदड़ था। जब जुलूस अपने मुल्क में दाखिल हुआ, तो बादशाह और मलिका ने बेटे के साथ देखकर वो बहुत खुश हुए। शहजादे ने अपने दोस्त गीदड़ की खूब खातिर की और उसे खुशी हुई।